आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर रियल नंबर्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट सच दैट दे कैन स्टैंड इन अ रो ऑफ 15, 20 एंड 25 एंड फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि वो कम से कम सोल्जर्स कितने होंगे जिनको कि 15, 20 और 25 की रो में खड़ा किया जा सकता है और साथ में वो नंबर अपने आप में क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी है, कम से कम नंबर ऑफ सोल्जर्स जो कि 15, 20 और 25 की रो में खड़े हो सकें, साथ में वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। करेक्ट है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता कि परफेक्ट स्क्वायर हो और हमें सिर्फ इतना निकालना होता कि कम से कम कितने सोल्जर्स होने चाहिए जो 15, 20 और 25 की रोज में खड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर लिखा है ना लीस्ट, तो क्या करते हैं हम लोग LCM फाइंड करते हैं इन तीनों नंबर्स का। और वो नंबर क्या होता है, कम से कम यानी कि छोटे से छोटा नंबर होता है जो कि सोल्जर्स का जो कि 15, 20 और 25 की रोज में खड़ा हो सकता था। करेक्ट है। तो पहले हम लोग इस पार्ट को टैकल करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्ट पर बाद में आते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को LCM निकालना है इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सो टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द LCM ऑफ 15, 20 एंड 25। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हम लोगों ने फर्स्ट, और फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि यही कर देने से क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं मिलने वाला है। पहले हम लोगों को इनका LCM फाइंड करना है, फिर उसके बाद कुछ और भी करना है। ठीक है, तो चलिए क्या फाइंड करते हैं, इन तीनों नंबर्स का पहले LCM फाइंड करते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिए गए नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 15 को फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। वहीं दूसरा नंबर क्या है 20, और जब 20 को प्राइम फैक्टराइज किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और 25 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। और अब हम लोगों को क्या निकालना है, इन तीनों नंबर्स यानी कि 15, 20 और 25 का LCM, जो कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और LCM के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, और उन प्राइम फैक्टर्स के इंडिविजुअली जो सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर होता है उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो देखिए, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है 3 है और 5 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो 2 में सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, 2 में सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर यही है ना, तो 2 की पावर 2। सो हम लोगों ने लिखा 2 की पावर 2। अगला प्राइम फैक्टर 3 है, तो 3 में सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर यही है, अकेला है। ठीक है, सो 3 की पावर 1। और 5 है अगला प्राइम फैक्टर, तो 5 में सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर कौन सा हुआ, 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 5 की पावर 2। अब जस्ट क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जब 4 और 5 5 जा 25 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। इसका मतलब 300 कम से कम सोल्जर्स होने चाहिए जो कि 15, 20 और 25 की रो में खड़े किए जा सकते हैं। अब हम लोगों को चेक करना है कि क्या 300 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या करें, अगेन 300 को कर दो प्राइम फैक्टराइज। तो अब लिख रहे हैं नाउ 300 इक्वल टू वॉट, इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो देखिए यही इसके प्राइम फैक्टर्स है ना, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। करेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको जब प्राइम फैक्टराइज किया जाता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में निकल के आते हैं। तो देखिए 300 को हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज किया है, और इसके प्राइम फैक्टर्स को देखें तो 2 का पेयर बनता है, 5 का पेयर बनता है, किसका पेयर नहीं बनता, 3 का पेयर नहीं बनता। मतलब 3 का पेयर बनने के लिए क्या होना चाहिए, 3 एक फैक्टर और होना चाहिए, और होने का मतलब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर होना चाहिए। बात समझ आती है, मतलब इस नंबर 300 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। देयरफॉर टू गेट अ लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच कैन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन वी नीड टू मल्टीप्लाई 300 बाई 3, यानी कि 300 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से नंबर क्या निकल के आएगा, 300 इंटू 3, और 300 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ, 900। इसका मतलब कम से कम कितने सोल्जर्स होने चाहिए, कम से कम 900 सोल्जर्स होने चाहिए जिससे कि वो 15, 20 और 25 की रो में खड़े भी हो सकते हैं, और साथ में ये नंबर अपने आप में, ये नंबर कहने का मतलब 900 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।